अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेज, तुम प्लीज फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रांग है, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। पर तुम भी समझो ना, इतना बड़ा इल्जाम लगा है उन पर, इतनी बेइज्जती हुई है, उन्हें थोड़ा तो वक्त चाहिए होगा ना अकेले। तेज, तुम अकेले नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें प्यार से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद तुम्हारा दिल कैसे टूटा होगा, कि मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। सर जी, मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि पीजी को होश आ गया। तेज सर जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। हाँ मिस्टर सिंह, दीदी मुझे ना बहुत फिक्र हो रही थी तेज की, कितना परेशान था वो, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा दर्द बांट लूं उसके साथ। वैसे मुझे फिक्र ना तो एक और बात की हो रही है, आंटी जी की। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, किसी को बताया भी नहीं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। किसकी नजर लग गई है इस घर को। और दीदी, भगवान ना करे गलती से अगर कभी आंटी जी को कुछ हो गया या वो कभी वापस ही नहीं आई तो मेरी बहन की जिंदगी से तेज हमेशा हमेशा के लिए बाहर। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, टेंशन मत ले, मैं ढूंढती हूँ आंटी जी को। आप वहाँ क्या कर रही है मम्मी जी? तू मेरे बेटे के सामने मेरा खुलासा करने जा रही थी ना, और उसके दिल में नफरत के बीज बोने जा रही थी, वो भी मेरे अगेंस्ट। तो चल, आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि किसी के दिल में नफरत के बीज कैसे बोए जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो बीज मेरे अगेंस्ट नहीं होंगे, वो तेरे अगेंस्ट होंगे। ये देख, मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? वो आप दूर हटिए उसे। अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला ना, इस बॉम्ब को एक्टिवेट करके मैं आउट, और सारा ब्लेम तुझ पर जाएगा। और दालचीनी, ये नजारा तो सिर्फ तेज की आंखों के लिए है, क्योंकि कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचता होगा। उसकी ममता पर भी भरोसा मत करना कभी, शैतान है वो। तेज सर जी वहां क्यों आएंगे? क्या कहकर बुलाया आपने उन्हें? बेटा, पता नहीं क्यों दालचीनी ने मुझे यहाँ पर अकेले बुलाया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा, मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती, कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगी? नहीं, 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 मैं मरना नहीं चाहती बेटा, मुझे बचा ले बेटा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे दालचीनी से बचा ले बेटा। ये बोलकर बुलाया मैंने उसे। अब देख, तेज इतनी दूर से आ रहा है मेरे पास, तो तमाशा और धमाका दोनों ही बड़े होने चाहिए। जब ये बॉम्ब फूटेगा ना, तो मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, लेकिन साथ में तेरे तेज सर भी मर जाएंगे। और अगर वो बच गया तो हो सकता है कि वो नफरत के मारे तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। ऐसे कर सकती हैं आप ऐसे मम्मी जी? मम्मी जी रुकिए,
मुझे गलत साबित करने के लिए इस हद तक चली जाएंगी आप? मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मेरे साथ साथ टीचर जी की जान भी खतरे में डाल रही है। नहीं, मुझे रोकना होगा, रोकना होगा। टीचर जी फोन उठाइए, मुझे आपसे बात करनी है। आपसे बात करना बहुत जरूरी है टीचर जी। मम्मी जी, मम्मी जी, टीचर जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मम्मी जी, नहीं, नहीं। मॉम, टीचर जी, मॉम, अब यहाँ क्या कर रहे हैं टीचर जी? मैं आपको कितने फोन कर रही थी, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? आप मॉम नहीं, नहीं जा सकते, आप यहीं रुकिए। आप उनके पास टीचर जी, हो क्या गया दालचीनी तुम्हें? अब क्या मॉम की जान लेना चाहती हो तुम? मॉम, नाटक है तुम्हारा? ये नाटक? अरे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कभी पहचानता ही नहीं था। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मॉम से? दुश्मनी नहीं है मेरी मम्मी जी से। मम्मी जी मुझसे दुश्मनी निभा रही है, मुझे गलत साबित करने के लिए ये सब कर रही है। इन्होंने मुझे फोन किया था, इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने वो बॉम्ब वाली जैकेट पहनी है। इस हद तक पहुंच गई यहाँ पर कि अपने साथ साथ अपने बेटे की भी जान की परवाह नहीं कर रही है ये। तुम जो बोल रही हो वो समझ में आ रहा है तुम्हें? जो मुंह में आया बोली जा रही हो। मॉम कोई टेररिस्ट है क्या जो बॉम्ब वाली जैकेट पहनेंगे? कह रही हूँ ना, आप दूर हटिए, आप दूर हटिए उससे। उन्होंने पहना है, उन्होंने खुद दिखाया है मुझे। कौन से जैकेट की बात कर रही हो? कहाँ है जैकेट? ये दुपट्टे के नीचे होगा जैकेट, मैंने खुद देखा है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई जैकेट नहीं पहना है तेज, कोई जैकेट नहीं पहना है। ठीक, दालचीनी की तसल्ली के लिए मैं आज नहीं तो कल बीजी और दालचीनी मिलकर तेज के सामने सच लाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। अब राजानी तुझे कुछ ऐसा फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा कि ना सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर के लिए भी तेज दालचीनी की बात पर भरोसा ही ना करे। ये वो लड़की है जिसे मैंने दिल से अपनी बेटी माना, और ये सब करने के बाद मुझे क्या मिला बदले में? मेरे बेटे को तू मुझसे दूर करना चाहती है। हे भगवान, इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है मेरा। झूठ बोल रही है, ये सब ढोंग कर रही है। इन्होंने मुझे खुद फोन करके बताया था। क्या कह रही है तू? कहाँ जाके ये सब नाटक कर रही है? चुप हो जाओ दाचे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे आपकी जान की परवाह है सर जी। मैं बस दाचेरी, बस प्लीज, एक बार फिर तुमने आज सारी हदें पार कर दी यहाँ पर। दालचीनी, मुझे आज के बाद तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। आई लव यू दालचीनी। आई लव यू। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है सर जी, जो ऐसे ही टूट जाएगा। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में हैं तो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, पर आप शांत रहिए। कोई बिना सोचे समझे नहीं बोल रहा हूं मैं, सब कुछ होश में कह रहा हूं। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो, मुझे आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहना है, समझी? लो, हो गई दालचीनी और तेज की शादी। आज से दालचीनी मेरी बीवी है। Yeah.
अरे मां। आंटी जी आप ठीक है? गलत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेज, मुझे तो आंटी जी ने यहाँ बुलाया था, वो ठीक नहीं है। उन्हें शायद मुझसे अपने दिल की कुछ बातें करनी थी, लेकिन हम कुछ बात कर पाते इसके पहले हमेशा की तरह दीदी ने आकर यहाँ पहले ही तमाशा क्रिएट कर दिया। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, किसी को बताया भी नहीं। भगवान ना करे गलती से अगर कभी आंटी जी को कुछ हो गया या वो कभी वापस ही नहीं, तो पेतर जी आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। मुझे अपना पति कहने का हक तुम खो चुके हो दाजी। सोच लीजिए आंटी जी, हम दोनों के बीच में इससे बेहतर सौदा नहीं हो सकता। मेरी मदद से आप दीदी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, तेज की जिंदगी से, आपकी जिंदगी से बाहर फेंक सकती हैं और इस घर में एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ आपका राज होगा। बदले में मुझे सिर्फ तेज चाहिए। दीपक का क्या? आंटी जी, हर चलते हुए दीपक को ना एक दिन बुझना ही होता है। कहने का हक तुम खो चुके हो दालचीनी। दालचीनी, मुझे आज के बाद तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। पुत्र, अपनी बेटी की एक बात मानेगी, अगर राजरानी का सामना तो बहुत अच्छी है और तेरी अच्छाई उसके अंदर के शैतान से जीत नहीं पाएगी। राजरानी तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक तुझसे तेज को अलग ना कर दे। मैं जानती हूँ बीजी कि ये जंग बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन बीजी हार के डर से अगर हथियार डालने ही थे तो फिर माता रानी पर इतना विश्वास करने का क्या फायदा। और बीजी ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, मम्मी जी तेजसर जी के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो जंग शुरू हो चुकी है बीजी, अब चाहे इस जंग में जितने घाव क्यों ना लग जाए, चाहे जितना खून क्यों ना बहे, पर मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये जंग जीत नहीं जाती। अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और अपने प्यार के लिए मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। जंग की पहली हार मुबारक हो। अब मैं तेज को इतना मजबूर कर दूंगी और ऐसी कगार पे लाकर खड़ा कर दूंगी कि उसे जन्म देने वाली माँ और अनपढ़ गंवार बीवी के बीच में चुनाव करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बीजी, तेज सर जी की आंखों पर जो मम्मी जी ने झूठी ममता की पट्टी बांधी है ना, उसे उतारना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं उन्हें धोखे में नहीं रहने दे सकती।
एक ना एक दिन मम्मी जी का असली चेहरा मैं तेज सर जी के सामने ला कर रहूंगी। मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ दालचीनी, वो दिन दूर नहीं जब तेज तुझे ना सिर्फ अपने दिल और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा, और ये मेरा वादा है। सर जी आपका भरोसा ही तो मेरी ताकत है, और आप ही मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं तो भूख लिखी पड़ जाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी सफाई पेश करने का मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। मैं मानती हूँ आपके गुस्से को समझती भी हूँ, पर जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना तो आप अपने इस बर्ताव पर जरूर पछताएंगे। पछतावा तो मुझे उस दिन का हो रहा है जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी और तुम्हें इस परिवार की बहू बनाकर लाया था। एक बात कही थी मैंने तुमसे, एक बात, कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, पर इतनी सी बात नहीं मानेगी ना तुमसे। मन तो इतना कर रहा है कि जितना दर्द तुमने मेरी मॉम को दिया ना उतना ही दर्द मैं तुम्हें भी दूं, लेकिन नहीं, मेरी मॉम ने मुझे हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया, और जिस माँ ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है तो उसी माँ के खिलाफ बोल रही हो, वो भी ये सब कुछ। कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते ही ना सबसे ज्यादा दर्द दे जाते, और उस दर्द को इस पल महसूस कर रही हूँ, और मुझे डर है जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना तो यही दर्द आप भी महसूस करेंगे। किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम, कौन सी सच्चाई? आज मैं तुम्हें मौका देता हूं, बोलो जो बोलना है तुम्हें। सच्चाई ये है सर जी की ये लड़की कहीं आंसू बहाकर तेज को अपनी बातों में ना फंसा ले। अच्छा ये है सर जी की मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर जी, सच में मम्मी जी ने खुद मुझे वीडियो कॉल किया था और वो बताया था कि वो बॉम्ब वाली जैकेट उन्होंने पहनी है, तभी तो मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास वहाँ पहुंची थी क्योंकि मुझे आपके जान की फिक्र थी। बस बंद करो दाचिनी ये कहानियां बनाना प्लीज। कहानियां भी तो तुम कैसी बना रही हो हा? कि मॉम बॉम्ब का जैकेट पहनकर तुम्हारे पास आई थी। मॉम क्या है, क्रिमिनल है कोई, टेररिस्ट है जो बॉम्ब का जैकेट पहनकर आई है? प्लीज ये कहानियां बनाना बंद करो वरना तुम पूरी तरह मेरी नजरों से गिर जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन। कोई जरूरत नहीं है। देखा, इतना हाथ पैर मारने के बावजूद तेज का भरोसा बदल नहीं पाया। ऐसा है मेरा तेज। एक एहसान तुम मुझ पर कर सकते हो दालचीनी प्लीज। मैं आप पर कैसे एहसान कर सकते हो? क्या बोल? कि तुम अपना मुंह बंद रख सके। आज के बाद तुम अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहोगी। जब भी मैं तुम्हारे कभी भी आस पास हूँ समझ लेना की तुम्हारा मौन व्रत चल रहा है। सर जी
सर जी। चुप। अब अगर तुमने एक और शब्द कहा ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, समझे? कैसी बातें कर रहे हो आप? अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।